आपकी तरफ से कितना सपोर्ट करने वाले, क्योंकि टेनिस प्रीमियर लीग में हमें देखने को मिलने वाले जी। सबसे पहली बात तो टेनिस से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इस गेम से। ये वो पहला स्पोर्ट है जो मैं ज़िंदगी में खेला हूँ। मैं 8 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक टेनिस खेलता था, जूनियर इंटरनेशनल स्कूल लीग खेलता था ITFs। तो बहुत ही मेरा मनपसंद स्पोर्ट है ये। मेरे पिताजी टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, वो एक टाइम पे नेशनल्स खेला करते थे। तो ये एक ऐसा खेल है जो हमारे घर में रोज़ इसकी चर्चा होती है, बहुत सालों तक खेला गया था। तो ये जो टेनिस प्रीमियर लीग हो रहा है और जो कुणाल बोजवानी इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हम साथ में ये लीग खेला करते थे, हम ITFs खेला करते थे। तो मैं बहुत बहुत सपोर्टिव हूँ इस लीग का। इसका जो मुद्दा है वो ये है कि नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना गेम दिखा सकें। और आई थिंक ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए और इस लीग को सपोर्ट कीजिए और एक एग्जीबिशन मैच खेलिए और लिएंडर पेस के साथ, जो इस देश के सबसे बड़े टेनिस हीरो हैं, कमाल के मेरे हीरो रोल मॉडल हैं, मेरे हीरो रह चुके हैं। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे प्रेजेंट भी, आप इंडस्ट्री के एक ऐसे डायरेक्टर हैं, आपकी फिल्में काफ़ी अप्रिसिएट की जाती है। टेनिस के ऊपर कोई फिल्में करने का इरादा, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर भी सब काफ़ी, टेनिस के ऊपर कोई ऐसी फिल्में करने का इरादा, किसी टेनिस प्लेयर के ऊपर बायोपिक करने का इरादा जी? जी अगर हम करेंगे तो उम्मीदवार कम हैं पर बहुत अच्छे हैं, लिएंडर पेस हैं, यू नो सानिया मिर्ज़ा हैं, महेश भूपति हैं। ये ऐसे तीन प्लेयर हैं जिन्होंने करंट जनरेशन में या पिछले 15 से 20 सालों में बहुत कमाल किया है हमारे देश के लिए। तो मैं चाहूँगा, मैं देखूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी मुझे कहानी मिले जो टेनिस के बैकड्रॉप को शूट करे, इनमें से किसी के अगर बायोपिक। मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक इंटरेस्टिंग टेक है इस पर। आजकल के ज़माने में क्या होता है, ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में, इनकी मैचेस आपने लाइव देखी, इनकी पर्सनल लाइव्स। तो ऐसा कुछ अगर मुझे लगा कि मैं बना सका या लिख सका या डायरेक्ट कर सका तो ज़रूर कोशिश करूँगा। पर मैं चाहूँगा टेनिस पे कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ बने और हमें देखने का मौका मिले। शशांक, साथ ही साथ आज इंडस्ट्री की बात हो रही है, न्यूकमर्स की बात हो रही है, तो इंडस्ट्री में एक नया मुद्दा उठा और मीटू कैंपेन के थ्रू काफ़ी लोग का नाम आ रहा है जो कि बॉलीवुड की रीड थे, मतलब बेस थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी मुझे लग रहा है कि ये जो मीटू कैंपेन है, हम सबका सपोर्ट है इसे। कितने लोग हैं ऐसे जिन्हें जो विक्टिमाइज हुए हैं, उन्हें मौका मिल रहा है अपनी कहानियाँ कहने का, बहुत हिम्मत लगता है। कुछ साल पहले ऐसा माहौल था कि अगर कोई बाहर आके कुछ बोले तो शायद उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी या उन्हें ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। आज हम सोशल मीडिया के थ्रू हो या जो ज़माना बदल गया, उस कारण एटलीस्ट हम उन्हें सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुन पा रहे हैं। और हो सके तो जितने भी लोग यू नो गिल्टी पाए जाते हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पर इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोग आगे आ रहे हैं वो जेन्युइन केसेस हों, वो जाके अपना जो एक केस है उसे आगे रख पाए, ताकि सिर्फ किसी पे एक फॉल्स एक्यूजेशन ना लगे, वो प्रूव हो, वो जैसे कहते हैं वो गिल्टी साबित हो। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है हम सब जितने भी लोग हैं उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे गिल्टी लोग हों उन्हें कुछ ना कुछ जिस कदर हो पनिशमेंट मिले, या फिर ऐसी पनिशमेंट मिले जिससे कि आके वो भी सुधर सकें और कुछ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। और जितने भी विक्टिम हैं उन्हें अगर हम कुछ और मौके दे सकें लाइफ में, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऑब्लिवियन में चले गए, तो अगर हम उन्हें मौके दे सकें, आई थिंक हम सबका सपोर्ट है। TPL is something that we have all come up with. Mrunal ने मुझे इस concept के बारे में जब बताया, I got really really excited, क्योंकि sports को लेके मैं हमेशा बहुत excited रहती हूँ। बचपन में बहुत sports खेले हैं, I've been a swimmer, I've been a table tennis player, लेकिन long tennis खेलने का कोई मौका नहीं मिला। And बचपन में मुझे किसी ने कहा था कि आप नहीं खेल पाओगे, because I tried learning it and वो हुआ नहीं। So when he said कि ऐसा मैं कुछ plan कर रहा हूँ, I said I will be a part of this only if I get to learn it. So he said done. And टेनिस से एक अलग मोहब्बत हो गई है, एक अलग प्यार हो गया है। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आई हैव सीन द काइंड ऑफ टैलेंट दैट दिस कंट्री हैज़। हम लोगों ने जब अपना टैलेंट हंट डे किया था, बहुत सारे लोग आए थे, बच्चे आए थे, बड़े आए थे, बुजुर्ग आए थे, एंड द काइंड ऑफ टैलेंट दैट दिस कंट्री हैज़, इट मेक्स मी वेरी प्राउड। तो इस टैलेंट को शोकेस करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनना बहुत ज़रूरी था, एंड टू बी अ फेस ऑफ वन ऑफ द टीम्स, इट जस्ट मेक्स मी very very honored, very very humbled. So Aishwarya, apne
अपने देश में काफी गेम्स हैं जिसे बढ़ावा नहीं मिल पाता जी, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? आई थिंक यू नो मोर देन दैट कि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे जिनको बढ़ावा नहीं मिला है. आई थिंक हमें अब ये देखना चाहिए कि कितने सारे स्पोर्ट्स हैं जिनको बढ़ावा दिया जा रहा है हमारी कंट्री में. लोग हमेशा क्रिकेट को बोलते हैं कि यू नो क्रिकेट के अलावा भी चीज़ें हैं. क्रिकेट ने अपना एक दर्जा बनाया है बिकॉज इट डिज़र्व्स इट. एंड बाकी सारे स्पोर्ट्स हैव फॉलोड सूट. आप कबड्डी देख लो, पीपल आर नाउ वॉचिंग कबड्डी. आप हॉकी देख लो, पीपल हैव स्टार्टेड टू नाउ वॉच हॉकी. टेनिस लोग देखते हैं बट टेनिस खेलते नहीं हैं. खेलते भी हैं तो इट्स अ वेरी इट्स अ स्पोर्ट दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी यू नो वो ऐसे हाई क्लास का स्पोर्ट समझा जाता है. इट्स नॉट अवेलेबल टू द मासेस. तो हम लोग यही चाहते थे कि जो जितने भी लोग हैं जो इस स्पोर्ट को लेके पैशनेट हैं वो सामने आए एंड वी विल गिव देम द राइट प्लेटफॉर्म. आपकी भी टीम है यहाँ पर? जी मेरी टीम है. हम आपको खेलते हुए देखेंगे? मैंने खेलना शुरू किया है. मैं पिछले 2 महीने से खेल रही हूँ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक अलग मोहब्बत हो गई है मुझे टेनिस से. मेरी टीम है ब्लैक पैंथर. बहुत सारा टैलेंट है मेरी टीम में. एंड यू नो मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक ये टीम्स का हम लोगों ने ये इसलिए रखा है क्योंकि एक कंपेटिटिव स्पिरिट जब आती है तो यू एंड अप डिलीवरिंग योर बेस्ट. सो दैट्स द आइडिया. बट TPL एक पूरी फैमिली है. हाँ 6 टीम्स में हमने बांटा है टू गेट दैट स्पिरिट हाई बट TPL इज़ वन बिग फैमिली. जी मी टू कैंपेन के बारे में मेरे कहने से कुछ नहीं होगा. बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोगों की बातें सुनी जा रही हैं एंड आई एम सो ग्लैड कि ऐसा कुछ हो रहा है. आई थिंक एक क्लीन अप रिक्वायर्ड था लेकिन आई ऑल्सो फील के पर्सनल वेंडेटा भी निकाल रहे हैं लोग. लेट्स नॉट डू दैट. एंड यू नो इट्स नॉट अ फाइट अबाउट वुमेन. सिर्फ औरतें एक्सप्लॉयट नहीं होती, मर्द भी एक्सप्लॉयट होते हैं, औरतें भी एक्सप्लॉयट करती हैं. सो दिस मी टू मूवमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद वन जेंडर. इट इज़ अबाउट ह्यूमन डिग्निटी इन वर्क प्लेस एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट. अर्जुन जी, हमने देखा है कि हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेट का बहुत बड़ा क्रेज है. लोग फुटबॉल भी पसंद करने लगे हैं, हॉकी भी, अब टेनिस. अब आप लोग के हाथ में तो किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे? किस तरह मुझे लगता है कि जितने स्पोर्ट्स हैं ना इंटरनेशनल स्तर पर वहाँ हर जगह हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यू नो वी शुड एनकरेज इट. नॉट ओनली अभी तो मृणाल ने किया है बट मुझे लगता है गवर्नमेंट से भी जो प्लेयर्स हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, मैं देखता हूँ कि उनकी जो परिस्थिति है, उनके जो हाल हैं वो इतने मतलब दे आर सो पुअर पीपल. मतलब शायद यू नो दे आर जस्ट मेकिंग एंड्स मीट. उसके बावजूद वो प्रैक्टिस करते हैं और गोल्ड मेडल्स ला रहे हैं. तो मुझे लगता है जितने भी प्लेयर्स गोल्ड लेकर आए, कोई भी मेडल लेकर आए देश के लिए, उन सबको तो सबसे पहले सरकार को घर देना चाहिए उनको. बिकॉज मैं देखता हूँ कि उनके घर पे जब इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं तो छपरे होते हैं और बहुत ही और दे हैव मेड द कंट्री प्राउड. सो मुझे लगता है कि हमारा फ़र्ज बनता है कि एज अ कंट्री टू गिव देम अ गुड यू नो गुड हाउस एट लीस्ट टू स्टे इन वेयर दे फील गुड. और जब वो ऐसा करेंगे तब और प्लेयर्स ऐसे बनेंगे, उनको लगेगा कि हमें भी मिलेगा एंड दैट्स व्हेन यू नो इंडिया विल हैव द मैक्सिमम मेडल्स एवर. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. हैविंग सेड दैट, कमिंग टू द टेनिस लीग, आई थिंक IPL है ऑलरेडी हमारे यहाँ. अभी ये टेनिस प्रीमियर लीग पहली बार इंडिया में लॉन्च हो रहा है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. मुझे लगता है कि और टेनिस प्लेयर्स काफ़ी टेनिस प्लेयर्स इससे जुड़ेंगे और जो यंग प्लेयर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी प्रोत्साहित होंगे कि यू नो एक लीग है तो उसका हिस्सा बनना है, तो उसकी ट्रेनिंग उस हिसाब से होगी. एंड आई जस्ट होप कि किसी दिन इंडिया के प्लेयर्स यू नो काफ़ी ग्रैंड स्लैम्स जीते और विंबलडन जीते और दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट.